जो भी हो, पर अब त्रिशा इस कॉन्वर्सेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से बात को बदल दिया और अभय से पूछा, अच्छा चलो यह बताओ कि अगर तुम्हें यह अभिमन्यु राय ज्यादा पसंद नहीं है तो तुम उसकी खबरें क्यों देख रहे हो। अभय ने अपनी छोटी छोटी आई ब्राउज को ऊपर उठाते हुए बोला, मीडिया न्यूज के मुताबिक अभिमन्यु रायजादा एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और वह एशिया का सबसे अमीर इंसान भी है और उसकी काफी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी भी है। इन सभी वजहों से वह मुझे काफी कूल लगता है। आपको नहीं लगता कि वह काफी इम्प्रेसिव इंसान है? त्रिशा ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा, हाँ हो सकता है कि वह काफी अमीर हो और काफी सक्सेसफुल भी हो, लेकिन उसका दिल बहुत काला है। वह बहुत ही क्रूएल और निर्दयी इंसान है। तो तुम उसकी पूजा करना बंद करो, वह कहीं से भी कूल नहीं है, समझ गए तुम छोटे बच्चे? अभय ने अपनी इमैच्योर आवाज में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना ज्यादा क्रूएल और निर्दय है, फर्क केवल इससे पड़ता है कि वह काफी सक्सेसफुल और अमीर है और मैं भी उसकी तरह अमीर बनूंगा, बल्कि मैं उनसे भी ज्यादा अमीर बनूंगा। यह त्रिशा के लिए पहली बार था जब उसने अपने बेटे के किसी सपने के बारे में सुना था। पर तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? त्रिशा ने कंफ्यूजन से अभय से पूछा। अभय ने त्रिशा की ओर देखते हुए प्राउडली कहा, जब मैं अमीर हो जाऊंगा मैं आपके लिए बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल पाऊंगा जहां आपको खुद खाना नहीं बनाना पड़ेगा, इससे आप खुद को चोट भी नहीं पहुंचा पाएंगी। ये कहते हुए अभय की आंखें जगमगाते तारे की तरह चमक रही थी। अभय की सोच महज 4 साल की उम्र में ही मैच्योर लग रही थी। वह अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा मैच्योर और इंटेलिजेंट था। अब इस वक्त अभय एक परफेक्ट मम्मा बॉय लग रहा था जो अपनी मम्मी की बहुत परवाह करता है, इसलिए उसके लिए वह सब कुछ देना चाहता है जो फिलहाल उनके पास नहीं है। त्रिशा का दिल अभय की बात सुनकर भर आया था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह सच में कुछ ज्यादा ही किस्मत वाली थी जो उसे ऐसा बेटा मिला था जो महज 4 साल की उम्र में ही अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए इतना ज्यादा आतुर था कि उसने रेस्टोरेंट खोलने के बारे में भी सोच लिया। त्रिशा अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए मुस्कुराकर बोली, जरूर मेरे छोटू अभय, लेकिन फिलहाल तुम्हें ठीक से पढ़ने की जरूरत है और जल्दी जल्दी बड़ा होने की जरूरत है, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। त्रिशा जब कोलकाता आई थी और अपने लिए काम ढूंढ रही थी, तब उस वक्त उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग जोड़े से हुई थी जो अपने सबसे मुश्किल समय से गुजर रहे थे। वह दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट के मालिक थे। उनका रेस्टोरेंट कुछ खास नहीं चल रहा था, पर फिर भी अपनी जीविका के लिए वह उस रेस्टोरेंट पर ही निर्भर हो सकते थे। क्योंकि उनकी एज अब ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए वह इस रेस्टोरेंट पर उतना ज्यादा काम भी नहीं कर पा रहे थे। दुख की बात यह थी कि दंपत्ति निःसंतान थे। त्रिशा ने शुरू में अपने और अपने बेटे का पेट पालने के लिए उनके रेस्टोरेंट में एक कुक के रूप में काम किया, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उन दोनों बूढ़े दंपति का त्रिशा पर विश्वास बढ़ता गया और फिर अभय भी उन दोनों दंपति के सामने ही पैदा हुआ था, जिसके कारण अभय से उनका कुछ खास ही लगाव था। वृद्ध दंपति अभय को लगभग अपने पोते की तरह मानने लगे थे। उन्हें अभय इतना पसंद था कि वे उसे कहीं और जान ही नहीं देना चाहते थे। बूढ़े दंपति ने रिटायर होने का फैसला करने के बाद त्रिशा को रेस्टोरेंट पूरी तरह से सौंप दिया था। शाम के वक्त में त्रिशा अभय को रेस्टोरेंट में ले आई थी क्योंकि उसे आज रात पूरे वीक का हिसाब किताब पूरा करना था। अभय भले ही 4 साल का हो, लेकिन वह 3 साल की उम्र से ही त्रिशा के रेस्टोरेंट में उसकी हिसाब किताब में मदद करता आ रहा था। त्रिशा ने अभय के हाथ से नोटबुक लेते हुए मुस्कुराकर पूछा, बच्चे क्या तुमने इस वीक के रेस्टोरेंट का हिसाब कर लिया है? देखो बहुत रात हो चुकी है, चलो अब शावर ले लो और खाना खाकर बिस्तर में जाओ। अभय ने अपना नाक सिकोड़ते हुए बोला, आह मैंने बहुत पहले ही हिसाब किताब कर लिया है, क्या आपने मुझे खुद के जैसे समझ के रखा है? जैसे आपको एक हिसाब को करने में 2 हफ्ते का समय लगा देती है, वैसे ही मुझे भी लगेगा। त्रिशा ने अभय के शब्द सुनते ही अपने चेहरे को थोड़ा उदास बनाया और दुखी स्वर में बोली, अभय क्या तुम्हें वाकई लगता है कि माँ काफी बेवकूफ है? अभय त्रिशा के दुखी स्वर को सुनने के बाद भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बिगड़े हुए थे। हालांकि उसके मुंह से निकलने वाले शब्द उसके एक्सप्रेशन से बिल्कुल अलग थे। वास्तव ऐसा में ऐसा भी नहीं है, आप बेवकूफ नहीं है, बल्कि आप कुछ ज्यादा ही नासमझ है, आपको थोड़ा समझदार बनने की जरूरत है। त्रिशा को थोड़ा सा रिलीफ मिला
क्योंकि अभय का कोई भरोसा नहीं था। वह उसके मुंह पर बेवकूफ कहने से बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। इस मामले में वह पूरी तरीके से अपने बाप पर गया था, एकदम अकड़ू और घमंडी। यहां तक कि काफी हद तक दोनों के शब्द भी मैच कर रहे थे, पर शुक्र है कि उसने उसे सामने से बेवकूफ नहीं कहा। न समझ सुनने में फिर भी थोड़ा ठीक लगता है। त्रिशा मुस्कुराई और अभय को गोद में उठाते हुए बोली, ठीक है, अब और बात नहीं करते हैं, चलो सोने का समय हो गया है। फिर कल रेस्टोरेंट बंद होने के बाद हमें दादा दादी से मिलने भी जाना है। अभय ने भी सहमति से सिर हिलाया। रेस्टोरेंट के ऊपर कुछ कमरे बने हुए थे। त्रिशा और अभय ज्यादातर वह यही रहा करते थे, पर कभी कभी वह दोनों बूढ़े दंपति यानी मिस्टर एंड मिसेस तिवारी के बुलाने पर उनके यहाँ भी चले जाया करते थे, उनके पास रहने के लिए। रेस्टोरेंट के दरवाजा और खिड़कियां को ठीक से बंद करने के बाद वह भी अभय के साथ सोने चली गई। त्रिशा आधी रात के आसपास पानी पीने के लिए नीचे ही आ रही कि उसे अचानक नीचे से कुछ हल्की आवाजें सुनाई दी और वह सीढ़ियों के पास ही रुक गई। वह जो अभी तक हल्के नींद के नशे में थी जल्दी से होश में आई। उसके दिमाग में तुरंत कुछ खटका, क्या कोई रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश कर रहा है? यह ख्याल आते ही त्रिशा एकदम से चौकन्नी हो गई। तुरंत ही उसके दिमाग में अभय का ख्याल आया, वह घबरा गई। उसे सबसे ज्यादा चिंता अभय की ही हो रही थी। त्रिशा ने लाइट चालू करने की हिम्मत नहीं की, वह धीरे कदमों के साथ जल्दी ही वापस ऊपर वाले कमरे में चली गई और अभय को उठाया और उसे बिस्तर के नीचे छिपा दिया। अभय गहरी नींद में सो रहा था जब त्रिशा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर के नीचे छुपाने की कोशिश करने लगी। वह अभी भी कच्ची नींद में लग रहा था। त्रिशा ने अभय की ओर देखते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, नीचे कुछ लोग अचानक से घुस आए हैं, मुझे नहीं पता कि वह कौन लोग हैं, इसीलिए हमें कुछ देर के लिए चुपचाप यहीं पर छुपकर रहना होगा। अभय ने जब त्रिशा की बात सुनी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बिगड़ गए, पर उसके मासूम चेहरे पर अब भी काफी मैच्योर भाव थे। हाँ, पर उसकी आंखें काफी कठोर हो गई थी। अभय कहीं से भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसने धीरे से त्रिशा को पुकारा, मम्मी मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। सीढ़ियों की तरफ से कुछ कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। त्रिशा ने अभय के मुंह को ढक दिया और फुसफुसाया, अभय अच्छे बच्चे बनो और यहाँ छिपे रहो और बाहर निकलने की कोशिश मत करना। त्रिशा अपने नाइट सूट के पॉकेट से फोन निकालते हुए अभय से कहती है, यह फोन लो और पुलिस को फोन करो, मैं तब तक गुंडों को देखती हूँ। अभय ने जल्दी से त्रिशा का हाथ पकड़ लिया और थोड़ा चिंतित आवाज में बोला, मम्मी मैं पुलिस को फोन कॉल कर रहा हूँ। पर आप यहीं रुको, आप कहीं मत जाओ। आपको नहीं पता कि नीचे कौन आया है और वह कितने लोग हैं, नीचे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। दरअसल अभय अपनी माँ के लिए थोड़ा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ भले ही हमेशा अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन केवल अभय को ही पता था कि वह दरअसल इतनी स्ट्रांग थी नहीं जितनी वह हमेशा दिखाने की कोशिश करती है। त्रिशा अब सिर्फ एक मासूम लड़की नहीं रह गई थी। पिछले कुछ सालों के अपने एक्सपीरियंसेस के बाद उसे समझ में आ गया था कि दुनिया एक अकेली लड़की के लिए कितनी डेंजरस हो सकती है। वह हर रोज रेस्टोरेंट बंद करने के बाद खिड़कियों और दरवाजों को ध्यान से चेक करती थी। हालांकि एक चोर को रोकने के लिए सिर्फ ताले काफी नहीं थे। उसने जल्दी से अभय को गले लगाया और उसके कंफ्यूज्ड चेहरे पर हल्के से किस किया। त्रिशा को लग रहा था जैसे कि अभय शायद इस सिचुएशन में डर गया होगा, इसीलिए वह जितना हो सकता था उतना ज्यादा अभय को अपने गले लगाकर शांत करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, अभय एक छोटा बच्चा है और उसका इस सिचुएशन में डर जाना काफी नॉर्मल सी चीज थी, और उसने इस तरह की सिचुएशन पहले कभी फेस नहीं की है, तो वह काफी ज्यादा डर गया होगा इस समय पर। हालांकि त्रिशा की सोच से बिल्कुल उलट अभय के एक्सप्रेशन से ऐसा लग तो नहीं रहा था कि वह जरा भी डरा हुआ है, बल्कि समय के साथ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी कठोर होते जा रहे थे और वह अपनी गहरी आंखों से दरवाजे की तरफ देख रहा था,
मानो वहां से बाहर जाने की प्लानिंग बना रहा हो। त्रिशा ने जल्दी से बेड के ऊपर और अभय को पूरी तरीके से उसे उस कंबल से ढक दिया, थमा दिया। अब कंबल को पलटे बिना किसी को पता नहीं चलता कि बिस्तर के नीचे कोई है। अभय कंबल के नीचे जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब वह अपनी माँ के चेहरे में वह डर वाले एक्सप्रेशन देखता है तो वह उसे और ज्यादा परेशान ना करते हुए चुपचाप कंबल के नीचे चला जाता है। वही त्रिशा का दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ ही सेकंड में उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। त्रिशा यहाँ से बचकर निकलने योजना बना ही रही थी कि तभी वह अचानक से शॉक्ड हो गई जब दरवाजा जोरदार आवाज से जमीन पर गिर गया। रेस्टोरेंट काफी पुराना होने के कारण यहाँ के दरवाजे भी पुराने थे, जिससे यह जल्दी ही टूटकर नीचे गिर गया था। त्रिशा ने अंधेरे में एक काली आकृति को प्रवेश करते देखा। आकृति ने अपने हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे और उसके हाथ में एक धारदार चाकू था। वह एक दानव की तरह था जो आधी रात को अचानक प्रकट हुआ था और अकेले लोगों को अपना शिकार बना रहा था। त्रिशा का गला सूख गया था। हालांकि वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन वह इस गंभीर मौके में भी खुद को बहुत शांत रखे हुए थी। त्रिशा को और कुछ तो समझ नहीं आ रहा था, पर इतना जरूर समझ में आया, किसी भी तरह से इन सबको मुझे नीचे ले जाना होगा, नहीं तो यह लोग अभय को कंबल के नीचे छुपा हुआ देख सकते थे। त्रिशा इस वक्त अभय की सेफ्टी के अलावा और कुछ नहीं सोच रही थी। वह अभय पर कोई मुसीबत आने देना सहन नहीं कर सकती थी। त्रिशा ने अपने पैर पर चुटकी काटी। वह दर्द के साथ अपने विचारों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह आदमी त्रिशा के करीब आ गया और उसे ही देखने लगा। यह महसूस करते ही त्रिशा तुरंत डर कर खड़ी हो गई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, देखो, अगर तुम लोग पैसे की तलाश में यहाँ आए हुए तो यहाँ मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जो भी पैसे हैं वह सब नीचे हैं। तुम लोगों को पैसे लेने के लिए नीचे चलना होगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ दे दूंगी। प्लीज तुम लोग मुझे चोट मत पहुंचाना। सामने वाले दो आदमियों में से एक आदमी ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, तुम काफी समझदार लगती हो, इसीलिए तुमने बिना मतलब का लड़ने से पहले सिलेंडर कर दिया। चलो, अब तुमने पहले से ऑफर दे ही दिया है तो हम भी तुम्हारे प्रति थोड़ा दयालु बनते हैं और तुम्हें एक मौका देते हैं, जाओ जाकर पैसे लेकर आओ। त्रिशा ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अभी जाती हूँ। सामने वाला आदमी एक तरफ हट गया। त्रिशा सावधानी से उसके पास से गुजरी और नीचे की ओर चली गई। उसके पीछे वो आदमी भी आ गए। त्रिशा ने लाइट जलाई और कैश काउंटर के नीचे डेस्क खोली। गुंडों की नजरों से बचते हुए त्रिशा ने पीछे रखे फूलदान को अपने पीठ के पीछे छिपा लिया। एक हाथ में उसने फूलदान को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से पैसों को आगे बढ़ाते हुए उन काले कपड़े पहने हुए आदमी से कहा, ये रहा पैसा, तुम सब ले जा सकते हो। आदमी ने पैसे को एक नजर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास बस इतने ही है? त्रिशा ने तुरंत जवाब दिया, जैसा कि तुम देख सकते हो हम बहुत ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। यह एक छोटा और पुराना रेस्टोरेंट है, यहाँ कस्टमर भी बहुत कम आते हैं। त्रिशा ने स्थिर खड़े रहने की पूरी कोशिश की। उसके बिखरे बाल उसके कंधों को ढंक रहे थे। रोशनी में उसका चेहरा बिना मेकअप के भी स्मूथ और फेयर लग रहा था। उसका ढीला नाइटवियर उसके चार्म को छिपा नहीं पा रहा था। त्रिशा एक नेचुरल ब्यूटी थी। यहाँ के लगभग सभी आदमियों के बीच में यह बात काफी फेमस थी कि रेस्टोरेंट की मैनेजर बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तब भी जब उसने कोई मेकअप नहीं किया होता है। कुछ लोग तो इस रेस्टोरेंट में केवल त्रिशा के कारण ही आते थे, वह खाने से ज्यादा त्रिशा को देखना पसंद करते थे। सामने खड़े गुंडे की नजर अब त्रिशा पर काफी गंदी और अश्लील हो गई थी। त्रिशा ने भी इसे आसानी से भांप लिया। आखिरकार वह लड़की है और ऐसी स्थिति में एक लड़की की सेंसेस काफी अच्छे से काम करती है। उसने अपने दांत भींचे और कहा, देखो मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, मैंने तुम लोगों को पहले ही पूरे पैसे दे दिए हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के पास अभी भी समय है, अगर तुम लोग अभी चले जाओ तो शायद तुम लोग यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो सकते हो, पर अगर एक बार पुलिस आ गई तो शायद तुम लोग को फिर यहाँ से सीधा जेल ही जाना पड़े। त्रिशा उस आदमी को डराने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्य से उसका प्रयास व्यर्थ गया। वह आदमी अचानक आगे बढ़ते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से धोखा दे सकती हो? क्या तुम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती हो? अभी वह आदमी यह कहते हुए कुछ कदम ही बढ़ा था कि एक फूलदान अचानक उसके सिर पर आकर लगा। पूरे रेस्टोरेंट में एक तेज आवाज गूंज गई, फूलदान के टुकड़े टुकड़े हो गए। वह आदमी थोड़ा लड़खड़ाया। त्रिशा मुड़ी और भागने लगी। हालांकि जब वह सिर्फ दो कदम दूर थी तो उस काले कपड़े वाले आदमी ने उसके बाल पकड़ लिए।
यू बिच, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। उस आदमी ने त्रिशा को उसके बालों से पीछे खींच लिया। उसने उसका गला पकड़ लिया और उसे टेबल पर पटक दिया। वह उसके कपड़े फाड़ने लगा। त्रिशा इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। पहले तो उसका पूरा माइंड ब्लैंक हो गया, पर जैसे ही वह अपने सेंस में वापस आई, वह तुरंत ही उस आदमी की पकड़ से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। लेकिन यह बेकार था। उस आदमी की पकड़ वक्त के साथ और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। त्रिशा को अब सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और वह निराशा से भर चुकी थी। त्रिशा केवल यही उम्मीद कर रही थी कि अभय नीचे न आए। तभी उस आदमी को अचानक अपने बाएं पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और देखा कि एक छोटा बच्चा उसे कंपास की सुई से मार रहा है। अभय ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, मेरी माँ को छोड़ दो। उस आदमी ने भद्दी हंसी हंसते हुए गाली दी, ओ छोटे शैतान दूर हटो। उस आदमी ने अभय को जोर से लात मारी। छोटा अभय जोर से कैश काउंटर से जा टकराया और उसके सिर में काफी गहरी चोट लग गई। वह बेहोश होने से पहले मम्मी कहकर चिल्लाया। अभय का शरीर हिलडुल नहीं रहा था। देखने से साफ पता चल रहा था कि वह बेहोश हो चुका है और उसके सर से बेतहाशा खून बह रहा था। वही त्रिशा ने जब उस आदमी को अभय को लात मारते हुए देखा तो उसे लगा जैसे कि उसका दिल उसके मुंह में आ गया था और उसका शरीर एक असहनीय दर्द से तड़प उठा। त्रिशा उस आदमी के पकड़ से छूटने के लिए मचल उठी। वह और भी ज्यादा स्ट्रगल करने लगी। वह आदमी अभी भी उसका गला कसकर पकड़े हुए था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि किसी भी वक्त उसका दम घुटने वाला था। वह कोई आवाज भी नहीं कर पा रही थी। त्रिशा की आंखें अभय पर टिकी थी क्योंकि वह खून से लथपथ जमीन पर गिर गया था। आंसुओं ने उसकी आंखों को भी धुंधला कर दिया था। त्रिशा ने अपने बच्चे की अच्छी देखभाल करने के लिए सब कुछ किया था। वह केवल यही चाहती थी कि उसका बेटा हमेशा ठीक रहे, लेकिन अब वह अपने बेटे को अपने सामने इतनी बुरी तरह से घायल होते हुए देख रही थी। उसके दिल में एक तीव्र दर्द की लहर पैदा हुई। अगर अभय को कुछ हो गया तो वह अपने जीने की वजह खो देगी। मनुष्य की हमेशा एक प्रवृत्ति रही है कि जब वह भी मुसीबत में घिरा होता है, वह उस समय अपनी सारी ताकत को जुटाकर खुद की रक्षा करने की सोचता है। और यहाँ तो त्रिशा एक माँ थी और माँ अपने बच्चे को कभी भी संकट में नहीं देख सकती। त्रिशा अभय को बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करती है और उस आदमी को अपनी नफरत भरी निगाहों से घूरती है और फिर अचानक से एकाएक अपना सिर घुमाया और उस आदमी की कलाई पर काट लिया। त्रिशा अपनी पूरी ताकत लगा रही थी जब तक उस आदमी के कलाई में उसके नुकीले दांत अंदर तक नहीं धंस गए और उस आदमी के हाथ से लगभग उस जगह का आधा हिस्सा अलग नहीं हो गया। तब तक वह अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने दांतों को गड़ाती रही। वह आदमी दर्द से चिल्लाया। उसने त्रिशा के गले पर अपनी पकड़ ढीली की और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। त्रिशा को अपने दर्द की चिंता करने का समय नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करने और उस आदमी को दूर धकेलने के लिए मौके का फायदा उठाया और अपने दोनों हाथों से उसे धक्का दे दिया। आदमी को उम्मीद नहीं थी कि त्रिशा अचानक इतना ताकतवर हो जाएगी। वह आदमी अचानक से धक्का लगने से कुछ कदम पीछे हट गया। त्रिशा अभय के पास भागी। हालांकि इससे पहले कि वह उसे देख पाती, उस आदमी ने त्रिशा का पैर पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। वह आदमी गुस्से से चिल्लाया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। तुम बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की और धक्का देने की। इन सभी के बीच में वह दूसरा आदमी हंसते हुए थोड़ी दूर पर खड़ा था। उसने जरा भी कोशिश नहीं की त्रिशा और दूसरे आदमी के बीच में आने की। वह त्रिशा को मार खाते हुए देख रहा था और इसे किसी सुंदर नजारे की तरह एंजॉय कर रहा था। वही अभय बहुत दर्द में अभी भी जमीन में लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट गई हो। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। लेकिन अभय इस बात से शौक भी था और काफी उलझन में भी था कि जब वह मर चुका था तो उसे इतना दर्द क्यों हो रहा था। अभय को अभी भी धुंधला धुंधला याद था कि जब उसे कार ने टक्कर मारी तो वह उड़ते हुए कई फीट दूर गया था और एक बड़े से पेड़ से जा टकराया था और उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी थी और एक तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई थी। उस तेज दर्द से अभय को महसूस हुआ कि जैसे वह अब मरने ही वाला है। हालांकि अभय को उस दर्द में भी सिर्फ अपनी माँ का ही ख्याल बार बार आ रहा था। त्रिशा का चेहरा एकमात्र ऐसी चीजों थी जो उसे इतने दर्द में भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और उसका पूरा शरीर पछतावे से भरा हुआ था।
अभय को उस दर्द में भी सिर्फ अपनी माँ का ही ख्याल बार बार आ रहा था। त्रिशा का चेहरा एकमात्र ऐसी चीजों थी जो उसे इतने दर्द में भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, और उसका पूरा शरीर पछतावे से भरा हुआ था। मरने से पहले अभय सोच रहा था कि अगर वाकई पुनर्जन्म जैसी कहानी सच्ची है तो वह भगवान से दुआ करता है कि उसे भी पुनर्जन्म दे और उसे उस समय पर वापस भेज दे जब वह अपनी माँ के साथ हंसी खुशी कोलकाता के उस छोटे से रेस्टोरेंट में रहता था और अपनी माँ के बनाए गए स्वादिष्ट खाने को खाया करता था। अभय अपनी माँ को बताना चाहता था कि वह जो मटर पनीर की सब्जी बनाती थी वे सबसे स्वादिष्ट होती थी। दुर्भाग्य से यह अब संभव नहीं था। अभय अपनी सोच में गुम था ही कि उसे अचानक अपने पास में एक आदमी के चिल्लाने और साथ ही एक महिला की कराहने की आवाज सुनाई दी। उस महिला की आवाज बिल्कुल किसी मरने से पहले छोटे नाजुक से खरगोश की आवाज की तरह लग रही थी। अभय चौंक गया। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? यह आवाज तो बिल्कुल उसके माँ की तरह लग रही थी। अभय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने सामने के दृश्य को देखकर अवाक रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह तो वही रेस्टोरेंट था जिसे उसकी माँ उसके बचपन में चलाती थी। क्या यह आग में जलकर राख नहीं हो गया था? वह अभी भी बिल्कुल पहले जैसा कैसे था? क्या वह सपना देख रहा था? अभय ने पलट कर देखा। उसकी माँ का चेहरा, हाँ, यह वही खूबसूरत चेहरा था जिसे वह अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता था। अभय का दिल गुस्से से जलने लगा जब उसने अपनी माँ के चेहरे के साथ एक भद्दे से इंसान को भी देखा जिसने उसकी माँ के सर को कसकर मेज में दबा रखा था। अभय की आंखों में बेहिसाब गुस्सा दिखने लगा। वह किसी को भी अपनी माँ को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा, भले ही वह सिर्फ एक सपना ही क्यों न हो। वह बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और टेबल पर रखी चिल्ली सॉस की बोतल को पकड़कर तेजी के साथ दौड़ कर गया और उस आदमी के चेहरे पर डाल दिया। चिल्ली सॉस उस आदमी की आंखों में जा गिरा। उसने अपनी आंखें पकड़ ली और दर्द से चिल्लाया। त्रिशा को मौका मिल गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तेजी के साथ उस आदमी को धक्का मारा जिससे वह उस आदमी के पकड़ से छूट गई और वह जल्दी से अभय की ओर भागी। उसके कपड़े फटे हुए थे पर फिलहाल इस वक्त उसे अपने आप का कोई होश नहीं था। वह जल्दी से अभय के पास आई। उसने अपने बेटे को गले लगाया और जल्दी से पीछे हट गई। त्रिशा डर से कांप रही थी। उसका आधा चेहरा लाल हो गया था। उसकी गर्दन के चारों ओर लाल निशान थे। उसने अपनी कांपती हुई कर्कश आवाज में कहा, बेबी सब ठीक है, चिंता मत करो, मम्मी तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम बिल्कुल भी मत डरना, मम्मी यहाँ है। अभय ने जब एक जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर जैसे ही उसने त्रिशा के गले मिलने से उसके शरीर से आने वाली गर्माहट को महसूस किया तो उसका शरीर एकदम से सख्त हो गया। क्या कोई सपना वाकई इतना वास्तविक हो सकता है? यह इतना वास्तविक था कि अभय इस वक्त अपनी माँ की गर्मी और वो खुशबू तक को महसूस कर सकता था जो उसे असीम शांति का एहसास करा रही थी। यही गर्माहट ही तो थी जिसे वह लंबे समय से मिस कर रहा था। अभय ने त्रिशा के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जब उसने अपने हाथ को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। क्यों? उसका हाथ इतना छोटा क्यों था? अभय ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई और देखा तो उसका शरीर भी काफी छोटा था। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गईं। उसका शरीर भी इतना छोटा क्यों था? अभय का चेहरा हैरानी से बड़ा हो गया था। क्या वह वाकई समय में पीछे चला गया था? वही चोर अभी भी दर्द से कराह रहा था और अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह आदमी दर्द से अपनी आंखों को मलते हुए इधर उधर दौड़ रहा था और बिना सिर वाली मक्खी की तरह चीजों को गिरा रहा था। उसने ज्यादातर मेजों और कुर्सियों को जमीन पर गिरा दिया था। मिर्च, मसाले और नमक हर जगह बिखरे हुए थे। अभय ने त्रिशा को खाली आंखों से देखा और धीरे से फुसफुसाया, मम्मी। अभय कन्फर्म करना चाह रहा था कि वह जो देख रहा है वह सपना है या फिर हकीकत, पर अभय को डर था कि अगर ये सपना हुआ तो सपना टूटते ही एक बार फिर उसकी माँ उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाएगी। इसलिए उसने हिम्मत नहीं की अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपनी माँ के चेहरे को छूने की। वह बस अपनी खाली आंखों से त्रिशा को देखता रहा। त्रिशा ने अभय को गले लगाया और एक कोने में छिप गई। जब उसने उसके चेहरे पर खाली इमोशंस देखा तो वह घबरा गई। अभय, क्या हुआ? क्या तुम्हें असहज महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अभय के होंठ कांप उठे।
अभय, उसने अपने नाम को इतने प्यार से सुने हुए एक अरसा बीत गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसे आखिरी बार इतने प्यार से अपना नाम सुने हुए कई सदियां बीत गई हों। उसे पहले अपना अभय नाम कुछ ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन आखिरकार उसे एहसास हुआ कि जब यह नाम उसकी माँ के मुंह से निकलता है तो यह सुनने में मिश्री की तरह मीठा लगता है। त्रिशा ने पहले ही अभय की सर पर लगी चोट पर एक कपड़ा बांध दिया था, पर उसे पता था कि यह काफी नहीं है। उसे काफी ज्यादा चोट आई है और उसे इलाज की सख्त से सख्त जरूरत है, पर फिलहाल वह इन खतरनाक गुंडों के सामने से अभय को लेकर जा भी नहीं सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अभी क्या करे। त्रिशा घबराई नजरों से अभय को देखा और कहा, डरो मत अभय, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, हम जल्द ही हॉस्पिटल जाएंगे। त्रिशा का गला जल रहा था और ऐसे दर्द हो रहा था जैसे उसमें आग लगी हो। वह हर एक शब्द को बोलने में स्ट्रगल कर रही थी। अभय की आंखें अचानक नम हो गईं। वह अकेली इंसान थी जो खुद इतने दर्द में होने के बावजूद उससे कह रही थी कि वह डरे नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, भले ही बहुत बेहद कमजोर और दयनीय अवस्था में थी। आखिरकार अभय खुद को और रोक नहीं पाया और उसने अपनी बाहें फैलाई और त्रिशा को कसकर गले लगा लिया। अगर वह वास्तव में सपना भी देख रहा था तो वह उम्मीद कर रहा था कि यह सपना थोड़ा और लंबा चले। वह कुछ और देर अपनी मम्मी के शरीर से आने वाली गर्माहट को महसूस करना चाह रहा था। वह थोड़ा और उसके प्यार को महसूस करना चाहता था। वही त्रिशा ने मान लिया कि उसके बेटे को काफी दर्द हो रहा है और वह बहुत डरा हुआ है। भले ही वह छोटी उम्र में स्मार्ट और मैच्योर हो सकता है, लेकिन वह केवल 4 साल का बच्चा था। वह असहनीय दर्द को कैसे सहन कर सकता है? अभी तक जो दूसरा आदमी शांति से त्रिशा को स्ट्रगल करते हुए देख रहा था, जब उसने देखा कि उसका दूसरा साथी घायल हो गया है, तो वह भी गुस्से से त्रिशा की तरफ दौड़ा। त्रिशा ने जल्दी से अभय को उठाया और किचन की तरफ भागी। बिना समय गंवाए उसने तुरंत किचन के दरवाजे को बंद कर दिया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अपने आप को इस किचन में बंद करने के। उस आदमी ने बाहर निकलने वाले रास्ते को पहले ही बंद कर दिया था, और अब अगर वह मेन गेट की तरफ भागती तो शायद ये उसके लिए काफी खतरनाक होता। क्या तुमने पुलिस को बुलाया? त्रिशा ने अभय के सर पर बंधे कपड़े को ठीक से बांधते हुए बोली। त्रिशा की आंखों में अभय के माथे से निकलने वाला वह चटक लाल रंग आंखों में चुभ रहा था। वह जितना ज्यादा अभय के चोट को देख रही थी, उसका दिल उतना ही ज्यादा तड़प रहा था। अभय ने हाँ में सिर हिलाया और सब कॉन्शियस रूप में बोला, हाँ मैंने पुलिस को भुला दिया है। अभय मन ही मन सोचा रहा था कि सब कुछ सपना होने के बावजूद कितना ज्यादा वास्तविक लग रहा है, पर अचानक से उसके दिमाग में कुछ खटका और उसे वह बात याद आई जब उसने मरते वक्त अपने दुआ में मांगी थी, अगर पुनर्जन्म जैसी कहानी सच्ची है तो वह समय के उसे चक्र में वापस जाना चाहता है, जब वह छोटा था और अपनी माँ के साथ रेस्टोरेंट पे रहता था। क्या वह वाकई समय में पीछे चला गया था? क्या उसका रिबर्थ हुआ है? क्या भगवान ने सच में उसे एक दूसरा मौका दिया है? जब अभय को सच्चाई का एहसास हुआ तो वह शॉक्ड हो गया। उसका पूरा शरीर घबराहट से कांप रहा था और वह तुरंत ही ठंडे पसीने से भीग गया था। त्रिशा को लगा कि अभय डर गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में अभय डरा नहीं है, बल्कि वह खुशी से कांप रहा है। अभय ने अपने चारों ओर देखा, तभी उसे किचन के दरवाजे को जोर से धक्का देने की आवाज सुनाई दी। अभय के दिमाग ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में काफी सारे प्लान पहले ही आ चुके थे उन आदमियों को मारने के लिए, हालांकि यह काम नहीं करने वाला था। वह इन आदमियों को रेस्टोरेंट में मरने नहीं दे सकता था। अगर वह रेस्टोरेंट में मर जाते हैं तो उसकी माँ मुसीबत में पड़ जाती। बाद में कस्टमर्स जब यह सुनते कि यहाँ किसी की मौत हुई है, तो वे इस रेस्टोरेंट से दूर भागने की कोशिश करेंगे। अभय ने काफी सोचने के बाद इन चोर को रेस्टोरेंट के अंदर ना मारने का फैसला किया। अभय अपने पिछले जीवन की आइडेंटिटी को कैसे भूल सकता है? उसे अपने पिछले जीवन में अपने क्रूर और बेहद चालक व्यवहार के लिए जाना जाता था। वह अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। फिर उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वह काम अच्छा था या बुरा। अगर उससे उसका काम बन रहा है तो वह गलत काम को भी सही करने में विश्वास करता था, जिससे कई लोगों उसे पागल भी बुलाते थे। लेकिन अब यह अलग था, वह समय में पीछे चला आया था। वह अपने छोटे रूप में वापस आ गया था, वह समय जब उसकी माँ अभी भी जीवित थी। अभय को और कुछ नहीं चाहिए था, वह केवल यही चाहता था कि उसकी माँ सेफ रहे और उसके साथ रहे। अभय ने अपने दिल में कसम खाई,
मम्मी, हर बार आपने मुझे प्रोटेक्ट किया है, लेकिन अब आपको प्रोटेक्ट करने की बारी मेरी है। अभय ने जल्दी से इधर उधर अपनी नजरों को घुमाते हुए कुछ ऐसा ढूंढने लगा जो अभी काम आ सके। जब उसने देखा कि किचन का दरवाजा लगभग टूटने ही वाला है, वह अचानक त्रिशा के गले से छूट गया और काउंटर से नारियल के तेल की बोतल पकड़ ली, जिसे त्रिशा ने सोने से ठीक पहले भर दिया था। त्रिशा बहुत डर गई और चिल्लाई, अभय। पर अभय बहुत तेज था, त्रिशा उसे समय पर पकड़ नहीं पाई। अभय गुस्से से चिल्लाया, यू बास्टर्ड, रुक जाओ, मैं तुम्हें अपनी माँ को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, कमीने।